भारत सरकार के निर्देशन में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जालौन में ऐसी तीन पीढ़ियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ हिस्सा लिया था। कोंच नगर के रहने वाले रामदीन पहाड़िया, उनके बेटे पन्नालाल पहाड़िया और नाती जयदेव पहाड़िया ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नमक आंदोलन में भाग लिया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरानों ने तीनों को पकड़कर हवालात में डाल दिया था। 1947 में देश के आजाद होने पर भारत सरकार ने तीनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया और सम्मानित किया, लेकिन रामदीन पहाड़िया ने सरकार ने सम्मान स्वीकार कर पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं लेने की घोषणा की। पितामह ब्रह्मानंद जी और मालिक चचेरे बाबा श्री पन्नालाल जी एवं चाचा जयदेव जी, तीनों जनों ने एक साथ जेल की यात्रा की। नमक आंदोलन सन 1932 में रामलला महाराज मंदिर के पास सभा कर रहे थे, तो अंग्रेजी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर कर और तीनों लोगों को गिरफ्त में ले लिया और जेल में डाल दिया। स्पेसिफिक और मैं आपको थोड़ा सा और संज्ञान आपके रूप में डाल दूँ कि इन लोगों ने पेंशन लेना भी बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि ये तो एक मिशनरी वर्ग है, राष्ट्रीय वो है, इसमें पेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पेंशन स्वीकार नहीं किया, ताम्रपत्र तो लिया है लेकिन धनराशि नहीं। नमस्कार, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर एक नए किरदार से रूबरू कराएंगे। आज 12 अगस्त और आज हम आपको एक ऐसी पीढ़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद है कि देश के इतिहास में पहली पीढ़ी हो। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के इस महान यज्ञ में कोंच नगर क्षेत्र के रहने वाले तीन पीढ़ी यानी कि बाबा, बेटा और नाती, यानी कि रामदीन अहिरवार, पन्नालाल अहिरवार और जयदेव है, बाबा, बेटा और नाती, इन तीनों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, एक अमिट और स्वर्णिम छाप छोड़ी है। आज हम आपको उस तीन पीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद है कि देश के इतिहास में पहली ऐसी पीढ़ी होगी जो तीनों एक पीढ़ियों ने एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो या अपना सब कुछ दिया हो। कोंच नगर क्षेत्र के सुभाष नगर यानी चंदकुआ के पास रहने वाले रामदीन पहाड़िया और ब्रह्मादीन पहाड़िया, उनके बेटे थे पन्नालाल पहाड़िया और पन्नालाल के बेटे जयदेव पहाड़िया, इन तीन पीढ़ियों ने एक साथ 1930 में नमक आंदोलन चलाया और नमक आंदोलन चला के उन्होंने बुंदेलखंड के जनपद जालौन के आसपास के गांवों के लोगों को जागरूक किया और कहा कि अंग्रेजों का नमक नहीं खाना, स्वदेशी नमक खाना, क्योंकि अंग्रेजों का नमक अगर आप खाएंगे तो नमक की आपको वजह नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस तरीके का जो है विद्रोह अपने आप में एक जो है अभूतपूर्व था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, क्योंकि नमक आंदोलन, अंग्रेजों को भी ये बात जानकारी हो गई थी कि बुंदेले जिसका नमक खाते उसकी बजाते जरूर है। जब उन्हें ये जानकारी हुई कि अंग्रेजी हुकूमत का नमक का ये बहिष्कार हो रहा है और यहाँ से एक अलग स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत के लिए घातक थी। इसको लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने घेराबंदी की और एक दिन यानी 24 अप्रैल 1930 को कोंच नगर क्षेत्र में रामलला मंदिर के पीछे सभा कर रहे थे ये तीनों के तीन पीढ़ी, यानी कि रामदीन जी, पन्नालाल जी और जयदेव जी। आसपास सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे थे, उन लोगों को समझा रहे थे, लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए अलग जगह रहे थे। तो घेराबंदी कर इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने इन तीनों को एक साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अपने आप में एक अमिट चीज़ है कि किसी भी तीन पीढ़ी को एक साथ जो है दर्जा दिया गया हो, शायद देश की ये पहली पीढ़ी थी। इसके बाद जब सरकार ने इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया तो रामदीन पहाड़िया यानी कि ब्रह्मादीन पहाड़िया भी जिनको कहा जाता था, उन्होंने सरकार को कहा कि हम हमारे